ऑसम, सो वेलकम टू दिस वीडियो। सो बेसिकली आज हम क्रूड ऑयल के बारे में स्ट्रैटेजी देखेंगे कि किस तरीके से कॉमन मैन, एक रिटेल ट्रेडर, किस तरीके से क्रूड ऑयल में, सिर्फ क्रूड ऑयल ट्रेड करके इंट्रा डे में पैसे कमा सकता है कंसिस्टेंट बेसिस पे, किस तरीके से कॉमन मैन जॉब या बिजनेस से घर पे आने के बाद में शाम को 6 से 12 बजे तक भी ट्रेड करके पैसा बना सकता है। बिकॉज जो कमोडिटी मार्केट होता है, जो क्रूड ऑयल होता है, वो रात को 11:55 तक मार्केट चालू होता है। सो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरी कॉमन मैन, रिटेल ट्रेडर, आम आदमी, टू ट्रेड एंड मेक मनी इन इंट्रा डे विथ क्रूड ऑयल। चलो सो हम चार्ट पे जाते हैं, देखते हैं क्रूड ऑयल के बारे में स्ट्रैटेजी ऑन टेक्निकल चार्ट। लेट्स गो टू माय स्क्रीन। ऑसम, सो वेलकम टू माय स्क्रीन। सो बेसिकली सबसे पहले आपको क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रूड ऑयल MCX। अगर आपको बेसिक्स भी नहीं पता है कि कमोडिटी मार्केट क्या होता है, कितने बजे तक चालू होता है, कैसा क्या होता है, आपको मैं 30 सेकेंड में बेसिक बता देता हूँ ये कमोडिटी मार्केट क्या होता है। अगर आप जानते हो तो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लो। सो बेसिकली कमोडिटी मार्केट जिस तरीके से इक्विटी मार्केट होता है, आपका डीमैट अकाउंट होता है, उसी तरीके से आपको वही ब्रोकर के पास में MCX का अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। MCX का जब आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको उसमें ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड करने मिलते हैं, जहाँ पे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है, कॉटन है, हाँ, एल्यूमिनियम है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट भी आप ट्रेड कर सकते हो, पैसे बना सकते हो। जिस तरीके से आप स्टॉक्स ट्रेड करते हो, उस तरीके से आप यही ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड करोगे। एंड सेम सेम चार्ट होता है, सेम वे में ये सब चलता है। इसका बेनिफिट ये कि ये सुबह 9 बजे शुरू होता है, रात को 11-12 बजे के रेंज में ख़त्म होता है। सो दैट्स रियली बेनिफिशियल कि हम इंट्राडे के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है, तो वी हैव दैट फ्लेक्सिबल टाइम। हाँ चलो ग्रेट। सो अभी क्रूड ऑयल के चार्ट पे आते हैं। ये आपको फ्री में कहीं भी मिल जाएगा। मैं अभी ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे हूँ। ये चीज़ आपको investing.com पे भी मिल जाएगा। ये चीज़ आपको की स्टॉक्स में भी मिल जाएगा, जिसके बारे में मैंने काफ़ी बार बात करी है। मैं आपको दिखाता हूँ। सो अगर मैं की स्टॉक ओपन करता हूँ, सो वहाँ पे यहाँ पे मैं जाऊँगा लोअर टाइम फ्रेम्स, उसके बाद में ओके। सो यहाँ पे कमोडिटी नाम चेंज करके यहाँ पे नॉन एग्रो है। सो यहाँ पे आपको ये एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह मिल जाएगा, जो बेसिकली हम जनरली ट्रेड करते हैं, यही इंस्ट्रूमेंट्स हम ट्रेड करते हैं। सो यहाँ पे एल्यूमिनियम का चार्ट है। ये बेसिकली की स्टॉक करके सॉफ्टवेयर है, कोई डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है। आपको ये चाहिए तो आप गूगल पे जा करके सर्च करना कुछ। इसका बहुत ही बेसिक प्राइस है, साल भर का कुछ 1000-2000 के आसपास है, तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। ये मेरे पास लाइक ऑफिस में करीब करीब 13 से ज़्यादा कंप्यूटर्स में ये सॉफ्टवेयर मेरे पास होगा, विच इज़ वेरी रीजनेबल, वेरी अफोर्डेबल, एंड वो सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं जो मुझे चाहिए होते हैं। सो दिस इज़ गुड। हाँ, उसके ऊपर मूविंग एवरेज एंड इंडिकेटर्स, फिर जो भी मुझे ऐड करना है वो मैं कर सकता हूँ। सो दैट्स की स्टॉक। सो यहाँ भी आपको ये ईजिली मिल जाएगा, डेटा वेटा ईजिली अपडेट हो जाता है। सो दैट इज़ गुड थिंग। सो यहाँ पे, बट अभी के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ फिर से यहाँ पे, ठीक है? चलो ग्रेट। सो ये मैंने करा क्रूड ऑयल पे, मैं आया क्रूड ऑयल पे, डेली चार्ट पे हूँ मैं अभी तो। सो सबसे पहले मैं आपको बहुत ही बेसिक वे में सिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा पैसा कैसे बनेगा कंसिस्टेंट बेसिस पे। बाय द वे 44 नहीं सिखाने वाला हूँ। सो अगर आपको लग रहा है कि मैं 44 सिखाऊंगा तो आप गलत हो, कुछ नया सिखाने वाला हूँ। हाँ चलो ग्रेट। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा, सबसे पहले ऐड करूँगा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में जा करके सेटिंग में जाऊँगा, यहाँ पे ऐड करूँगा 66, एंड देन यहाँ पे कलर चेंज करके मैं कर दूँगा ये वाला कलर, ठीक है? डन। सो यहाँ पे वो 44 वाला स्ट्रैटेजी नहीं है कि ये सपोर्ट वपोर्ट बाय कर लो, वो भी नहीं है। हाँ बस दूसरा कुछ है। सो पे अटेंशन। अब आगे जाने से पहले, जिनको मूविंग एवरेज ही क्या होता है नहीं पता है, उनके लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आपको पता है तो आप थोड़ा सा स्किप कर लो, और अगर रिवीजन करोगे तो अच्छा ही है आपके लिए। हाँ ग्रेट। सो बेसिकली इफ आई गो टू लिटिल बिट हायर टाइम फ्रेम, जहाँ पे मैं आपको बता पाऊँगा। सो सी दिस, इफ़ यू पे अटेंशन टू दिस चार्ट,
यू विल रियलाइज वन थिंग कि जब भी ये दिस इज जस्ट अ एवरेज. सो इफ आई एम एडिंग अ 66 मूविंग एवरेज, मतलब पिछले 66 कैंडल का ये पॉइंट जो है वो एवरेज है, नथिंग एल्स. एवरेज इज वेरी सिंपल. फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल है मेरे पास, ये बॉटल मैंने खरीदा लेट्स से 500 रुपए का, 500 रुपीज़. एंड उसी तरीके से मैंने और एक दूसरा इसी का भाई बंधु दूसरा बॉटल मैंने खरीदा 1000 रुपए का. सो एक बॉटल 500 रुपए का, एक बॉटल 1000 रुपए का, एवरेज क्या हुआ मेरा? व्हाट इज माय एवरेज? आप कहोगे सीधा दैट इज वेरी सिंपल, 1000 का एक, 500 का एक, तो एवरेज हुआ 750. एग्जैक्टली. सो उसी तरीके से यहाँ पे स्टॉक मार्केट का एवरेज निकाला जा रहा है कि पिछले 66 डेज का या 66 कैंडल का एवरेज क्या होगा. तो राइट नाउ 66 एवरेज का जो कैंडल है वो यहाँ पे मूविंग एवरेज है. एंड व्हाई इट इज़ कॉल्ड मूविंग एवरेज? बिकॉज इट इज़ मूविंग. कल नया अगर कैंडल आ जाएगा तो ये 66 डेज आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा, इसलिए दैट इज़ कॉल्ड अ मूविंग एवरेज. चलो ग्रेट. सो अब आगे जाते हुए जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था, एक सिंपल सी बेसिक सी बात वो ये थी कि इफ़ यू सी दिस मूविंग एवरेज इज राइजिंग, जो ये पॉइंट तक आपको राइजिंग दिख रहा है, सो ओवरऑल मार्केट ट्रेंड इज अप. इफ दिस इज फॉलिंग देन ओवरऑल मार्केट ट्रेंड इज डाउन, एंड इफ इट इज अगेन राइजिंग देन ओवरऑल मार्केट ट्रेंड इज अप. सो बेसिकली मूविंग एवरेज जब जब एक राइजिंग मोड पे होता है, अगेन आई विल ड्रॉ इट फॉर यू, मूविंग एवरेज जब जब एक राइजिंग मोड पे होता है तब तब मार्केट ऊपर जाता है, मूविंग एवरेज जब जब फॉलिंग मोड पे होता है तब तक मार्केट नीचे जाता है, एंड मूविंग एवरेज जब जब वापस राइजिंग होता है तब तब मार्केट ऊपर जाता है. एंड एज यू कैन सी वेरी इजीली एंड क्लियरली, मैं मेरी टीम को यहाँ पे बोलूँगा कि कुछ आपको पैचेस बना के दिखा दे, ग्रीन पैच, रेड पैच एंड अगेन ग्रीन पैच ऑन द राइजिंग एंड फॉलिंग मूविंग एवरेज, सो यू कैन विजिबली क्लियरली सी दैट. यस, कैन यू सी दैट? चलो ग्रेट. सो दैट्स अ बेसिक ऑफ मूविंग एवरेज. सो बेसिकली आपको इससे पता चलता है कि ट्रेंड कहाँ पे है. फॉर एग्जांपल मैं इसी को कर देता हूँ डेली चार्ट, ठीक है. सो अभी आप अगर डेली चार्ट में देखोगे 66 मूविंग एवरेज यहाँ तक आप देखोगे, मुझे बताओ यहाँ पे मूविंग एवरेज का क्या शेप है, मार्केट का क्या हुआ. उसके बाद में यहाँ पे मूविंग एवरेज का क्या शेप है, मार्केट का क्या हुआ. यहाँ पे रेड पैच बन सकता है बिकॉज इट्स फॉलिंग, यहाँ पे ग्रीन पैच बनेगा बिकॉज इट्स राइजिंग, यहाँ पे आप देखोगे कि एवरेज फ्लैट है, प्राइस भी साइडवेज है, सो दैट्स योर ब्लू पैच. इसके बाद में आप देख सकते हो मार्केट किस तरीके से कंसिस्टेंटली ऊपर गया है एक राइजिंग मोड में, एंड किस तरीके से कंप्लीट ग्रीन पैच बन करके मार्केट कंसिस्टेंटली राइजिंग मूविंग एवरेज के साथ में ऊपर जा रहा है. दैट इज बेसिक ऑफ मूविंग एवरेज. यू कैन नॉट बाय वैन मूविंग एवरेज इज फॉलिंग. सो फॉर एग्जाम्पल कोई है जो मूविंग एवरेज फॉलिंग में बाय कर रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, प्रॉफिट होगा लॉस होगा? इट विल बी कंसिस्टेंट लॉस, राइट? मार्केट इज गोइंग डाउन 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 डाउन. उसी तरीके से कोई अगर ये पैच में बाय कर रहा है तो पैसा पैसा बनाना ईजी है कि नहीं है? यहाँ पर अगर आप बाय कर रहे हो, इट्स ईजी टू मेक मनी, राइट, इन दिस राइजिंग मोड. दैट्स बेसिक, राइट? दैट्स बेसिक. बस वही बोल रहा हूँ मैं. सो दैट्स अ बेसिक ऑफ मूविंग एवरेज जो आपको फॉलो करते रहना है. अब मैं आपको आता हूँ स्ट्रैटेजी पे. ये मैंने आपको मूविंग एवरेज का बेसिक बता लिया, लेट्स गो ऑन स्ट्रैटेजी नाउ. चलो ग्रेट. सो अब हम जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम्स में. लेट्स से गो टू अ 15 मिनट चार्ट. सो नाउ दिस इज 15 मिनट चार्ट. यहाँ पे हम 15 मिनट के चार्ट पे हैं जो आप यूज़ कर सकते हो. आप 5 मिनट का भी चार्ट यूज़ कर सकते हो, आप 75 भी यूज़ कर सकते हो, आप 5 आवर भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज कमोडिटी अप्रॉक्स 15 घंटे चालू होता है, सो 5 आवर विल ऑल्सो वर्क. हाँ, सो चलो यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी सीखते हैं, देन यू कैन डिसाइड कि आप कहाँ पे ट्रेड करना चाहते हो. सो हमने लगाया है 66 मूविंग एवरेज. सो बेसिकली 66 मूविंग एवरेज जब भी फॉलिंग है तभी आपको शॉर्ट करना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, कहाँ पे करेंगे? उसका आंसर मैंने अभी तक नहीं दिया. मैंने सिर्फ आपको बताया है अभी आपको क्रूड ऑयल में शॉर्ट करना है या बाय करना है. ऑब्वियसली शॉर्ट करना है बिकॉज योर मूविंग एवरेज इज फॉलिंग, करेक्ट? अगर मूविंग एवरेज इस तरीके से बढ़ रहा है तो आप क्या करोगे? आपको बाय करना है बिकॉज मूविंग एवरेज इज राइजिंग.
यहां पे अगर आप हो तो क्या आप क्या करोगे, बाय करोगे? अगर आप ये फेज में हो तो आप क्या करोगे, आप शॉर्ट करोगे? अगर आप ये फेज में हो तो क्या करोगे, आप बाय करोगे? इस तरीके से सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन कर लेना पड़ेगा कि आपको कौन से फेज में बाय करना है, कौन से फेज में शॉर्ट करना है। इतना समझ में आया? वेरी सिंपल, राइट? सो यहां पे अगर आप देखोगे, सो राइट नाउ दिस इज अ फॉलिंग मार्केट, दिस इज अ फॉलिंग मार्केट, सो दैट वुड बी शॉर्टिंग मार्केट। अब मैं ऐड करूंगा यहाँ पे स्टोकास्टिक, आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्टोकास्टिक, आपको की स्टॉक में भी मिल जाएगा स्टोकास्टिक। अगर मैं यहाँ पे चेंज इंडिकेटर करके दिखाऊँ, एडिट इंडिकेटर नहीं, इसको चेंज इंडिकेटर, आई विल गो टू एस विच इज स्टोकास्टिक, यहाँ पे यहाँ पे आप ऐड करोगे तो मिल जाएगा। मैं लाइन टू हटा दूंगा, या तो इसको मैं 3333 कर दूंगा। हाँ, सो यू विल फाइंड लाइक दिस स्टोकास्टिक इन एवरी सॉफ्टवेयर यू हैव, वेदर इट्स अ की स्टॉक और इट्स दिस सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग व्यू, आपको हर जगह पे मिल जाएगा। जाऊंगा मैं, आई विल ऐड स्टोकास्टिक, नीचे देखो स्टोकास्टिक आया, मैं उसमें सेटिंग में जाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं चाहूंगा कि आप लिख लो कहीं पे। हाँ, सो इनपुट, इनपुट में जाऊंगा, लेंथ करूंगा 14 एंड परसेंटेज के को स्मूथ कर दूंगा 2% से। अगर आपके सॉफ्टवेयर में ये चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 19-20 का फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये फीचर है, इसके लिए मैं उसको स्मूथ कर रहा हूँ, बट इसको मैं अगर 0 भी कर देता हूँ देन स्टिल आई डोंट थिंक देर इज़ मच डिफरेंस, सो आई विल गो इट विथ 2। हाँ, आई विल गो विथ 2, बट कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना है। उसके बाद मैं स्टाइल में जाऊंगा, यहाँ पे मैंने ये देखो ऑरेंज लाइन हटा दी, परसेंटेज डी मैंने हटा दिया है। सो यहाँ पे आप परसेंटेज डी हटा सकते हो इस तरीके से अनटिक करके, ये हर सॉफ्टवेयर में आई थिंक सो हटेगा ही। सो इनपुट में मैंने 14 रखा है, यहाँ पे मैंने 2% से स्मूथ किया है, ये मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको मैं 3333333 कर दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मैं यहाँ से तो मेरे को अनटिक करना ही है। हाँ, सो आई जस्ट गो इट विद 3 एंड यहाँ पे मैं अनटिक कर दूंगा। उसके बाद में अपर बैंड इज 75 एंड लोअर बैंड इज 35, ये कुछ बेसिक सेटिंग करी है मैंने। आप वापस एक बार फोटो ने स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल लो। आई रिकमेंड यू कि आप नोटबुक में लिख रहे हो, आई होप ये वीडियो आप सो के नहीं देख रहे हो अपने पलंग पे या सोफे पे, बिकॉज ये सारी चीज़ें आप सीखने जाओगे तो कई साल लग जाएंगे, कई लाखों रुपए लग जाएंगे। सो आई रिकमेंड यू टू वॉच इट एंड लर्न इट प्रॉपरली। हाँ, चलो ग्रेट। सो यहाँ पे परसेंटेज के आएगा 14, यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे परसेंटेज के पे टिक होगा या अनटिक हो जाएगा, ये अपर बैंड 75 लोअर बैंड 35 एंड देन आई विल क्लिक ऑन ओके। ग्रेट, सो नाउ आई एम डन विद दिस माई बेसिक सेटिंग। अब मैं आप मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा मेरे ब्लैंक स्लाइड पे, सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि मैं क्या बोल स्टोकास्टिक में हमें एंट्री कब करना है। ठीक है, सो ये मेरा लाइन है 75 का, ये मेरा लाइन है 35 का। यहाँ पे आपको दिख रहा है 75, ये 75, यहाँ पे आपको दिख रहा है 35। ठीक है, इसके बाद में नाउ ऊपर मूविंग एवरेज, सो फॉलिंग है, जैसे कि आप जानते हो मूविंग एवरेज इज फॉलिंग। ठीक है, अब आपका जो स्टोकास्टिक है वो ब्लैक में बनाता हूँ मैं, आपका जो स्टोकास्टिक है वो 75 के ऊपर जाएगा एंड फिर लेट्स से नीचे आएगा। ठीक है, आपका लेट्स अज्यूम प्राइस जो है वो कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा वो टाइम पे ऐसा। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्राइस, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टोकास्टिक। यस, परफेक्ट। सो नाउ इफ यू सी, हमें एंट्री कहाँ करना है या कब करना है, हम इसमें एंट्री करेंगे ये क्रॉस डाउन होने के बाद में, जिसको क्रॉस ओवर भी बोलते हैं, जब स्टोकेस्टिक 75 के नीचे आ गया, उसके बाद में जो भी कैंडल यहां पे बना होगा रेड कैंडल, हम उसके नीचे शॉर्ट करेंगे एंड उसके हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे। दो कैंडल का हाई का जब चार्ट में जाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए आप ये समझो कि हम इसके हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे, इसके लो के नीचे शॉर्ट करेंगे। 1:2 टारगेट, 1:2 टारगेट, इस तरीके से हम जाएंगे। हाँ,
मैं आपको अब लाइव ट्रेड बहुत सारे दिखाऊंगा, तो आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। सी, अब यहाँ पे प्राइस नियर मूविंग एवरेज होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार मार्केट फॉलिंग हो गया, एक बार ये फॉलिंग हो गया, दैट्स दैट इज़ व्हाट वी वांट। अब एक बार फॉलिंग हो गया तो हो गया, बाद में कोई प्राइस कहीं भी ये चलेगा, मूविंग एवरेज फॉलिंग होना चाहिए। सो इफ़ यू सी दिस, मूविंग एवरेज इज़ फॉलिंग। स्टोकास्टिक कहाँ पे है? स्टोकास्टिक आपको रेट दिखेगा यहाँ पे, ये जो मैं आपको एरो करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको हमेशा स्टोकास्टिक का रेट दिखता रहेगा कि कितना है। सो वॉट इज़ रेट राइट नाउ? इसको मैं एरो को, कैन आई डू दिस, इज़ बेटर। हाँ, सो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे मुझे बताओ, स्टोकास्टिक है 94, मार्केट गोज आप, दैट्स 94.65, एक रेड कैंडल, इट बिकेम 83, बट हमें कितना चाहिए? 75 के नीचे, एंड वी हैव 68। सो ये जो कैंडल है, मैं जूम इन करके दिखाता हूँ आपको, ये जो कैंडल है यहाँ पे, स्टोकास्टिक वेंट बिलो 75। सो दैट इज योर ट्रिगर कैंडल, इसको क्या बोलते हैं? ट्रिगर कैंडल, मेरा ट्रेड ट्रिगर हो गया। सो नाउ आई विल एड माय दिस थिंग लाइंस, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। वी विल शॉर्ट बिलो द लो ऑफ दिस कैंडल, यहाँ पे आपको दिख रहा है लाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप लॉस। सो शॉर्ट बिलो दिस कैंडल, स्टॉप लॉस विल बी दो कैंडल का हायर हाई। सो ये एक कैंडल है एंड ये दूसरा कैंडल है, सो यहाँ पे आपका आएगा स्टॉप लॉस, बिकॉज हायर ऑफ टू कैंडल, वन एंड टू, दोनों में से जो भी हायर प्राइस है, दैट इज योर स्टॉप लॉस, करेक्ट? यानी आप यहाँ पे, आपको दिख रहा है ये 75 के नीचे आया, सिंपल इजी। सो आई विल शॉर्ट बिलो द लो, आई विल स्टॉप लॉस अबाउट द हाई, एंड 1:2 टारगेट। सो अप्रॉक्स मैं देखता हूँ 8600, 8600 एंड लेट्स से 9000, करीब करीब 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 800 पॉइंट का टारगेट। 8600 का 800 पॉइंट बनता है समझो 7800। सो आई विल रिमूव माई लाइन्स एंड आई विल सी दिस, दैट योर टारगेट हैज बिन अचीव नियर दिस कैंडल। सो ये आपका एक ट्रेड हो गया। इसके बाद में फिर से मार्केट आप देखोगे, फॉलिंग मूविंग एवरेज है, विच इज योर स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक तो हमारा फिक्स है, विच इज योर क्रूड ऑयल। आई नो इट्स नॉट स्टॉक, इट्स कमोडिटी, बट कम ऑन, लेट्स अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? मैं बोल रहा था आपको, क्या बोल रहा था मैं आपको, मूविंग एवरेज इज फॉलिंग, स्टोकास्टिक इज अबाउ 75। नाउ यू कैन सी स्टोकास्टिक इज एट 81, 94, 94, 87, अगेन 88, एंड यू हैव 80, वेट 64। सो ये कैंडल पे आपका स्टोकास्टिक बना 64। सो नाउ यू गॉट अ गुड ट्रेड विथ स्मॉल स्टॉप लॉस, यू शॉर्ट बिलो द लो, एंड दो कैंडल में से हायर हाई इज योर स्टॉप लॉस, सो 1 एंड 2 इसके ऊपर का स्टॉप लॉस आएगा। सो शॉर्ट बिलो द लो, तो इसका लो है 7907, यहाँ पे मार्क कर देना जब भी मैं लो दिखा रहा हूँ तब। सो यहाँ पे आप देखोगे 7907 इज योर ट्रिगर प्राइस, 7900 पकड़ते हैं, और इसका हाई जो है वो है 8036। सो अगेन कैलकुलेशन के लिए 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस पकड़ लेते हैं। सो 79 का अगर ट्रिगर आता है तो 100 पॉइंट मतलब 200 पॉइंट, जस्ट 7700 इज माई टारगेट। एंड इफ यू सी दिस, दैट्स योर स्टॉप लॉस हैज बिन ट्रिगर्ड। कैन यू सी दिस? आई विल शो यू। यहाँ पे आप देखोगे ये कैंडल जो है बड़ा बना है, सो यहाँ पे आपका शायद ट्रिगर भी हो गया रहेगा, विच इज दिस लो इज योर ट्रिगर, एंड मे बी आपका स्टॉप लॉस भी हो गया होगा, मे बी, बिकॉज अगर मार्केट पहले ऊपर जाता एंड बाद में नीचे आके डॉजी पे बंद दिया तो ये केस में स्टॉप लॉस नहीं होता, बट मार्केट अगर पहले नीचे गया फिर ऊपर गया फिर यहाँ पे आया तो वो केस में स्टॉप लॉस हुआ होगा। आई डोंट नो ये कितने लोगों को समझा होगा, अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो तो ही ये वाला डॉजी का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगा। बट लेट्स लेट्स कंसिडर इट स्टॉप लॉस ओनली, कि स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है? सो अगेन स्टॉप लॉस हो गया, कोई बात नहीं, अभी तक आपका ट्रेड गया नहीं है, नथिंग इज फिनिश्ड, बिकॉज फॉलिंग मूविंग एवरेज इंटैक्ट है, RSI स्टोकास्टिक ने नीचे क्रॉस कर लिया है, येस। सो एवरी कंडीशन इज देयर। सो अगेन आई विल गो बिलो द शॉर्ट, आई विल शॉर्ट बिलो द डॉजी, आई विल स्टॉप लॉस अबाउट द हाई। मैं दोनों कंडीशंस फिर से ट्रिगर
और एक मौका मैं फिर से दूंगा, शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउ द हाई। सो डॉजी का अगर आप लो देखोगे सो दैट इज़ 78.75, हाई देखोगे तो 8,000। सो करीब करीब 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आई विल गो विद 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 पॉइंट का टारगेट। सो 7800 का लेट्स से शॉर्ट है तो 300 पॉइंट, 7500 हो गया। एंड दिस टाइम डिड आई मेड मनी? येस आई मेड मनी इन दिस ट्रेंड। इसके नीचे मैंने शॉर्ट करा था क्योंकि पहला मेरा स्टॉप लॉस हो गया, फिर मैंने शॉर्ट करा, आई मेड मनी। सो दैट्स माई क्रूड ऑयल सेकेंड ट्रेड। तीसरा ट्रेड आप देखोगे तो मेरा यहाँ पे जो स्टोकास्टिक है यहाँ पे 68 आया, यहाँ पे ट्रिगर हुआ बट फिर से स्टॉप लॉस हुआ, सो दैट्स माई सेकेंड स्टॉप लॉस। इफ़ यू सी दिस, आई यहाँ पे वापस स्टोकास्टिक नीचे आया, आई शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउ द हाई, इट गॉट ट्रिगर्ड बट अगेन आई गॉट दैट ब्यूटिफुल शॉट ऑन द शूटिंग स्टार एंड दैट कुड हैव वर्क्ड। लेट्स सी। सो येस अगेन एक स्टॉप लॉस हुआ बट दूसरा ट्रेड चला। दैट्स हाउ यू कैन ट्रेड दिस क्रूड ऑयल स्ट्रैटेजी ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। और अगर मैं आपको, ये तो 5 घंटे का चार्ट था, अगर मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में जा करके दिखाऊँ रीसेंट ट्रेड विच इज जो मैं जिस दिन शूट कर रहा हूँ उसके कल का ही ये ट्रेड है, आज तो मार्केट बंद है। सो मैं अगर आपको कल के ट्रेड में दिखाऊँ, दैट वॉज राइजिंग मूविंग एवरेज, यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट है। सो इफ यू सी दिस, वी हैव राइजिंग मूविंग एवरेज हियर, वी गॉट प्राइजेस बिलो आर स्टोकास्टिक बिलो 35 लेवल एंड देन क्रॉस कहाँ पे होता है देखते हैं हम। ये कैंडल पे स्टोकास्टिक है 22, ये कैंडल पे है 19, ये कैंडल पे 33 एंड वी गॉट सुपर बिग कैंडल विच इज 70। सो ऐसे सिनारियोज में आप ट्रेड छोड़ सकते हो बिकॉज यहाँ पे 33 स्टोकास्टिक है ये लेवल पे एंड उसके बाद में सीधा ये हो गया 70। सो यहाँ ये ऐसे ट्रेड छूट जाएंगे एक हाथ धोके बट रियली वर्कड वेल, ब्यूटिफुल। हाँ चलो और थोड़ा सा पीछे जा करके अगर उसी दिन का है, यस शाम का ट्रेड है यहाँ पे आप देखोगे। सो दैट्स योर 86, दैट्स योर ट्रिगर यहाँ पे, दैट्स योर स्टॉप लॉस। सो इसका लो है 7,000, 7,000 व्हाट्स द नंबर, 32 76, 30 पॉइंट स्टॉप लॉस अप्रॉक्स यू गॉट द टारगेट। सो मैं एक्यूरेटली, मेरे को एक्सेल में जाना पड़ेगा बट इट सीम्स अगर इतना नीचे आया है सो यहाँ तक अगर टारगेट अचीव होगा तो दैट इट्स ग्रेट, नहीं हुआ तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। बट यू गॉट द सिस्टम राइट, सिस्टम टू अंडरस्टैंड द सिस्टम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हाँ यहाँ पे आप देखोगे सो दिस ट्रेड कुड हैव वर्क्ड रियली वेल, यहाँ पे आपका पैसा बना होगा। इसके बाद में फिर से आप शॉर्ट साइड पे देखोगे सो थोड़ा सा पीछे चल के चलो ग्रेट। सो एक बार मैं आपको सेम चीज़ है ना, एक वाइट पेपर यहाँ पे लगा करके ग्राफिकल फॉर्म में हमारी टीम आपको एक्सप्लेन कर देगी, तो एक बार वो सिंपल मतलब एक फाइनल क्लियरिटी मिल जाए दोनों साइड पे, ठीक है। चलो ग्रेट, सो लेट्स ओपन वाइट पेज। सो ये वाइट पेज पे आप देखोगे सबसे पहले हम शॉर्ट की बात करते हैं एंड बाद में हम बाय की बात करेंगे, ठीक है। सो शॉर्ट में 75-35 रहेगा दोनों साइड पे, चाहे बाय कर रहे हो चाहे आप शॉर्ट कर रहे हो। सो एज़ यू कैन सी पेज हाफ में डिवाइड हो गया है, ये शॉर्ट का पेज है ये बाय का पेज है। सो दोनों साइड स्टोकास्टिक तो लगेगा 75-35 ही। सो एक बार स्टोकास्टिक आ गया, इसके बाद में प्राइस में शॉर्ट के टाइम पे फॉलिंग मूविंग एवरेज होना चाहिए एंड प्राइस अपने हिसाब से ट्रेंड करते करते नीचे, ट्रेड होते होते नीचे आएगा। हाँ जब वो नीचे आ रहा है वो टाइम पे स्टोकास्टिक भी आपका नीचे आ रहा होगा, उसके बाद में लेट्स से थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया एंड स्टोकास्टिक भी ऊपर आएगा। ऊपर आने के बाद में स्टोकास्टिक 75 के ऊपर जाना कंपलसरी है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्टोकास्टिक 75 के ऊपर है, 75 के ऊपर गया। यहाँ पे प्राइस कहाँ पे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर भी हो सकता है, मूविंग एवरेज के नीचे भी हो सकता है, मूविंग एवरेज पे भी हो सकता है। सो प्राइस का लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टोकास्टिक इंपॉर्टेंट है एंट्री के लिए। सो एंट्री के लिए हमें स्टोकास्टिक 75 के ऊपर गया, उसके बाद में मार्केट नीचे आता है, स्टोकास्टिक आपका 75 के नीचे आता है। जब स्टोकास्टिक जिस कैंडल ने 75 के नीचे लेके आया वो कैंडल हमारा ट्रिगर कैंडल बनता है, वी विल शॉर्ट बिलो द लो ऑफ दिस कैंडल
एंड वी विल स्टॉप लॉस अबाउ दो प्रीवियस टू कैंडल में से जो भी हाईएस्ट हाई होगा वो. सो दिस इज लेट्स से वन, दिस इज लेट्स से टू. तो ये दोनों में से जो भी हाईएस्ट कैंडल है, हाईएस्ट प्राइस है, वो मेरा स्टॉप लॉस होगा. सो यहाँ पे आप देखोगे तो प्रीवियस वाला हायर प्राइस है, जो हाई है वो हायर है. सो वो मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा, ये मेरा एंट्री बन जाएगा, एंड वन एस टू टू मेरा टारगेट बन जाएगा. इस तरीके से मैं ये शॉर्ट करूँगा. अब चलते हैं बाय की साइड पे रिवीजन के लिए. सो शॉर्ट को पड़े रहने देते हैं, यहीं पे हटाते नहीं है, सिर्फ बाय में एडिट करते हैं हम. सो बाय की साइड के लिए क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए. मूविंग एवरेज राइजिंग होने के बाद में प्राइस जो है वो ऊपर जाना चाहिए. उसके बाद में थोड़ा सा प्राइस अगर नीचे आता है, स्टोकास्टिक 35 के बिलो आता है, दैट्स अवर अवेयरनेस टाइम. हमको चौक जाना चाहिए, अच्छा ये देखो 35 के नीचे, 35 के नीचे. अब अगर स्टोकास्टिक आपका 35 के ऊपर जाता है, दैट्स योर ट्रिगर कैंडल. स्टोकास्टिक 35 के ऊपर गया या आपका ट्रिगर कैंडल बना, ये ट्रिगर कैंडल बनने के बाद, ये ट्रिगर कैंडल बनने के बाद आप उसके ऊपर हाई के ऊपर बाय करोगे. दोनों में से वन एंड टू, दोनों में से जो लोअर प्राइस होगा उसके नीचे स्टॉप लॉस रखोगे. तो इन दिस केस सेकंड वाला ही लोअर प्राइस है, सो वी विल कीप स्टॉप लॉस बिलो द लो, बाय अबाउ द हाई, एंड वन इज टू टू टारगेट. इसी तरीके से हम इसको ट्रेड करेंगे. ये आप स्नैपशॉट निकाल सकते हो, ये आप रिविजन कर सकते हो बार बार, जो मैं आपको समरी दे रहा हूँ. एंड इसको आप मल्टी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हो, फ्रॉम वन मिनट टू डेली चार्ट, कोई भी टाइम फ्रेम चलेगा. चलो लेट्स अगेन स्टार्ट द वीडियो. सी दिस, इन दिस पैच मार्केट जब भी 70 के ऊपर आया, इट वेंट डाउन. वेदर इट्स पूरा ये फॉलिंग मूविंग एवरेज है. If you we could have shorted this point, we could have shorted this point, we could have shorted this point, and then this point. Yes, can you see how market is trading? किस तरीके से market हर बार वो 70 के range में आकर के ऊपर नीचे जाता है वापस. This is very clear market. Yes, see this point, which is this अगेन यहाँ पे, एंड वहां पे प्राइस भी फिर देखते जाओ किस तरीके से नीचे आ रहा है. यस, कैन यू मेक मनी विद दिस? कैन यू जेन्यूनली जस्ट सिट एंड प्रैक्टिस फॉर सम टाइम? हाँ, सो प्रैक्टिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं यहाँ पे आपको फिर से लेके जा करके दिखाओ, सो दैट्स योर बाय ये रेंज में, यहाँ पे आपका फिर से ट्रेड होगा. हाँ, टू बी प्रिसाइज एक बार बाय के साइड का थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पे 12, यहाँ पे आ गया 41. सो दैट्स योर बाय अबाउट दिस कैंडल. मैं आपको एरो करके भी दिखा देता हूँ. दैट्स योर बाय अबाउट द हाई, एंड देन स्टॉप लॉस बिलो द लो, बिकॉज इट्स अ लोअर, दो कैंडल के लोअर लो का स्टॉप लॉस आएगा. सो दो कैंडल के लोअर लो का स्टॉप लॉस, एंड दैट वुड बी योर स्टॉप लॉस, 1:2 टारगेट. यहाँ पे ऊपर गया, उसके बाद में मार्केट ऊपर गया, यू कुड हैव मेड मनी इन दिस. अब मैं आपको इसका ट्रैप भी दिखाता हूँ कि ये कब नहीं चलेगा, कब लॉस होगा वो दिखाता हूँ, और मैं आपको कब ये सिस्टम को आप अवॉइड कर सकते हो ट्रेड करना, वो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, डोंट वरी. सी वन मोर ग्राफ, जहाँ पे किस तरीके से मार्केट जब भी ये रेंज में आता है 35 के नीचे ऊपर जाता है, हाउ मार्केट परफॉर्म्ड. यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो या फिर ये रेंज में यहाँ पे हो, सो दैट्स हाउ यू ट्रेड एंड दैट्स हाउ यू मेक मनी विद दिस सिस्टम. एंड इट्स एब्सोल्यूट हार्ड कोर सिस्टम, कोई इसमें डिस्क्रीशन नहीं है, कोई इसमें ब्रेनर नहीं है. हाँ, अब बात आती है आपको कब सिस्टम अवॉइड करनी चाहिए या कब आपको इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए. सो जब भी मार्केट इस तरीके से साइडवेज हो जाए, व्हेनेवर यू, इट्स अ विजुअल कॉन्सेप्ट. जब भी मार्केट इस तरीके से साइडवेज होता है, इट्स अ विजुअल कॉन्सेप्ट, वो टाइम पे आपको ट्रेड नहीं करना है. एट दिस पॉइंट इन टाइम यू आर नॉट सपोज टू ट्रेड. द आंसर इज डोंट ट्रेड, वरना आपके स्टॉप लॉस होंगे. आप बोलोगे पता कैसे चलेगा? एक्सपीरियंस के साथ में विजुअली आप रिच होते जाओगे. जितना आप विजुअली रिच, रिच का मतलब विजुअली एक्सपीरियंस में रिच होते जाओगे,
जितना बढ़ता जाएगा विजुअल एक्सपीरियंस, उतना उतना आपको ये समझ में आते जाएगा कि दीज आर द पैचेज ऑफ साइडवेज मार्केट। पैचेज ऑफ साइडवेज मार्केट कैसे पता चलता है, उसका एक इंडिकेशन है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो एवरेज साइडवेज है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो एवरेज साइडवेज है। सो दीज आर द बेसिक, क्या बोलते हैं, दीज आर द बेसिक थिंग्स जिससे ये पता चलता है कि मार्केट साइडवेज है। देर इज़ नो अदर सीक्रेट। हाँ, यहाँ पे आप अगर ओवरऑल जूम आउट करके देखोगे व्हाट यू कैन सी दैट कंसिस्टेंटली मार्केट एक साइडवेज मोड में परफॉर्म कर रहा है। सो वो टाइम पे थोड़ा सा ट्रेड को अवॉइड करना या क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करना वुड हैव बीन अ ग्रेट ऑप्शन। हाँ, एंड देख लेना कि कौन से टाइम फ्रेम में क्लियरर ट्रेंड है। अगर मैं आज अभी के टाइम पे देखो देन आई कैन सी मोर 75 मिनट इज इन क्लियरर ट्रेंड देन एनी अदर चार्ट। अगर मैं आप डेली चार्ट देखूंगा सो डेली चार्ट क्लियर ट्रेंड में नहीं है। दिस इज ग्रेट पीस ऑफ एडवाइस। अगर आप इसको दिल पे ले करके समझ लो ना तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी हर जगह पे आपको काम आए। हाँ, सो यहाँ पे देखोगे डेली चार्ट इज नॉट इन क्लियर ट्रेंड, आई डोंट वॉन्ट टू ट्रेड, देन आई विल गो टू 5 आवर चार्ट लेट्स से। हाँ, सो पहले मैं ये लाइन को रिमूव करता हूँ। ओके, सो 5 आवर इफ यू सी इट्स इन क्लियर डाउन ट्रेंड, आई वॉन्ट टू ट्रेड दिस टाइम फ्रेम्स, मैं 5 घंटे में ट्रेड करना चाहूँगा। इसके बाद में आई विल गो टू 75 मिनट चार्ट, 75 मिनट चार्ट इज ऑल्सो इन टू क्लियर ट्रेंड। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रेड बना, आपका पैसा बना। इसके बाद में फॉलिंग मूविंग एवरेज पे है, सो क्लियर ट्रेंड है, यू वुड लाइक टू ट्रेड। उसके बाद में 15 मिनट पे गया, 15 मिनट पे आप देखोगे थोड़ा सा पैची मार्केट है, ये साइडवेज चल रहा है यहाँ पे, इसके बाद में ये साइडवेज चल रहा है यहाँ पे, सो लेट्स अवॉइड दिस टाइम फ्रेम। उसके बाद में 5 मिनट पे गया, 5 मिनट पे भी काफ़ी सारा यहाँ पे एक पैची सा मार्केट दिख रहा है एंड एक साइडवेज के अंदर साइडवेज बन रहा है जैसे यहाँ पे है, साइडवेज के अंदर साइडवेज बन रहा है जैसे यहाँ पे है, साइडवेज के अंदर साइडवेज बन रहा है जैसे यहाँ पे है। सो ये साइडवेज के अंदर साइडवेज है तो हम ऐसी मार्केट को क्यों ट्रेड करेंगे, लेट्स नॉट ट्रेड दैट अगेन। उसके बाद में लेट्स कंसिडर इट 1 मिनट अगेन। 1 मिनट में अग्रेसिवली ट्रेड करना नहीं है बट सिर्फ सिखाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो 1 मिनट टाइम फ्रेम में लेट्स से यहाँ पे मार्केट खड़ा है तो आप कहोगे नहीं नहीं ये तो बहुत ही ज़्यादा साइडवेज मार्केट है, मैं नहीं करना चाहूँगा ट्रेड। बट अगर लेट्स से मार्केट अगर ये वाले पैच में चल रहा है यहाँ पे, इफ मार्केट इन टू दिस रनिंग पैच देन यू कुड हैव थिंक समथिंग टू ट्रेड इन। ये जोन में आपको कोई ट्रेड भी मिल सकता है, यहाँ पे कोई आपका ट्रेड बाय भी कहाँ पे गया, 1 मिनट चार्ट चेंज हो गया यार। ओके, सो मैं आपको बोल रहा था कि ये पैच में आपका कुछ ट्रेड हो भी सकता है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कोई ट्रेड मिला, चल गया, अच्छा ट्रेड चल गया, पैसे बन गए। हाँ, बट जब भी मार्केट अगर इस तरीके से ये साइडवेज में हो विजुअली, वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। जब भी मार्केट इस तरीके से ट्रेंडिंग में हो तब तब ट्रेड करना है। एंड मैं आपको यही चीज़ अगर जूम इन करके दिखाऊंगा यू विल रियलाइज कि ये कितना बड़ा एडवाइस है, दिस कैन बी ए लाइफ चेंजर। हाँ, इफ यू सी दिस, हाँ ट्रेड कर सकते थे यहाँ पे, इफ यू सी दिस, सॉरी इसमें ना कंट्रोल जेड से डिलीट नहीं होता, हमें आदत होती है कंट्रोल जेड से डिलीट करने की। ओके, यहाँ पे आप देखोगे सो ये जो है यहाँ पे आपके पैसे बनते थे, फिर से यहाँ पे बनते थे, फिर से ये पैच में बनते थे, या फिर मे बी स्टॉप लॉस हो जाता था एंड फिर यहाँ पे पैसा बनता था जब मार्केट नीचे गया। यस, सो इस तरीके से जब एक क्लियर ट्रेंड आपको मिलता है वो टाइम पे हमें ध्यान देना है कि आप ट्रेड करो खुद के लिए, आपके फैमिली के लिए। टाइम फ्रेम के साथ में स्विच करना इम्पॉर्टेंट है कि जब जब आपको इस तरीके से मौका मिले, दिस इज़ मौका एंड उन मौके को आप भुनाओ, भुनाओ इज़ राइट ग्रामर, आई डोंट नो, उन मौक़ों को आई मीन आप यूटिलाइज करके पैसे प्रिंट करो खुद के लिए। हाँ, सच में प्रिंटर विंटर पे प्रिंट नहीं करना यार, I'm super happy to teach you this, यार। If you watch this complete video, मतलब बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बीच में छोड़ दिया होगा, but I'm sure कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ तक देखा होगा एंड ये चीज़ सुनी होगी, टाइम फ्रेम स्विचिंग विच इज़ द बिगेस्ट थिंग
व्हाट यू कैन लर्न एज अ ट्रेडर ऑफ वन कमोडिटी. इफ यू सी दिस पैच, सो मैं यहाँ पे मैं ट्रेड करना चाहूँगा, यहाँ पे मैं ट्रेड करना नहीं चाहूँगा, एंड देन यहाँ पे मैं ट्रेड करना चाहूँगा, यहाँ पे मैं वापस ट्रेड करना नहीं चाहूँगा. इस तरीके से यू कैन फिल्टर योर मार्केट बाय स्विचिंग टू डिफरेंट टाइम फ्रेम्स. आई होप दिस हेल्प्ड यू समवेयर इन योर हार्ट. आई जस्ट होप दिस हेल्प्ड यू इन योर लाइफ एंड ट्रेडिंग. हाँ चलो ग्रेट ऑसम. और कुछ हो तो कमेंट में बताना. डिड यू लर्न, कैसा लगा वीडियो? थोड़ा फास्ट था, एडवांस था, इसका एक 2.0 वर्जन बनाना चाहिए और ज़्यादा डिटेल में, और ज़्यादा डीप में. आई थिंक सो ऑलरेडी इट्स 35-40 मिनट्स, सो आई थिंक सो वी आर गुड. बट आई थिंक सो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन अ डीपर एंड डिटेल्ड वे. आई हैव गिवन यू सम कन्विक्शन फॉर दैट. रिस्क मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ प्ले करता है. सो आपने अगर रिस्क मैनेजमेंट की हमारी वीडियोज़ नहीं देखी है तो आई रिकमेंड यू कि आप ये और ये वीडियो को देख लो एंड उसके ऊपर ट्रेड करो. बिना रिस्क मैनेजमेंट के कुछ नहीं होगा. एंड ऑलवेज रिमेंबर, आप किसी से भी स्ट्रैटेजी सीखते हो, पहले खुद चार्ट पे जाना है, बैक टेस्ट करना है, आपको लगता है कि चल रहा है, देन यू शुड ट्रेड दैट. ऑसम, चलो ग्रेट. सो आई एम सुपर हैप्पी एंड पम्प्ड. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो समवेयर. टिल दैट टाइम बी डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट.